नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 9 फरवरी 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई। दोस्तों ये आलू के जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। चलिए जान लेंगे भाई साहब के पास आज का कहाँ कहाँ के आलू आए, आज के क्या कुछ रेट है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी कितनी गाड़ियां आ रही जी मंडी में, क्या पोजीशन है जी? अब 120 गाड़ी की रेवल है राणा जी। अच्छा जी। कल का बैलेंस मिला के, हाँ जी, जिसमें 70-75 गाड़ी संभल की है, हाँ जी, और 22-23 गाड़ी LR की है, 12-15 गाड़ी जंगीराबाद है, हाँ जी। बाकी आलू की पोजीशन बहुत खराब है। कब तक है जी उम्मीद सुधरने की? देखो 15-20 फरवरी के बीच में स्टोरों के मुहूर्त है, हाँ जी, और बड़ी जोरों शोरों से आलू अंदर जाएगा स्टोरों में। अच्छा जी। मतलब मौसम भी बदलना शुरू हो गया और 15-20 फरवरी के बीच में स्टोरों के मुहूर्त होते हैं ज्यादातर, हाँ जी, और स्टोरों के दरवाजे खुलते ही, हाँ जी, और बहुत स्पीड से अंदर आलू जाएगा, हाँ जी, और बहुत जल्दी कोल्ड स्टोर फुल हो जाएंगे। अच्छा, मतलब फसलें बम्पर हैं, मंडियां भी भरेंगी और हाँ कोल्ड स्टोर तो बिल्कुल फुल हो जाएंगे। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है जी। जैसे किसानों को कहते हैं, व्यापारियों को कहते हैं, वो कहते हैं कि आलू है नहीं, आलू है नहीं। राणा जी पता क्या चक्कर है, जैसे मैंने स्टॉक करा हो 10,000 कट्टे का, हाँ जी, तो मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकलेगा कि मंदा आना आलू का। अच्छा जी। है ना, किसान जो है जिसने मेहनत करी हुई है वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि आलू का मंदा आएगा। वो भरम भलाता रहेगा आलू खराब हो गया, पाला पड़ गया, कम है उस क्षेत्र में, कम निकल रहा है, झाड़ कम निकल रहा है, ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग आजादपुर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और सुबह घर से आते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं और इधर उधर की रिपोर्ट भी रखते हैं। अच्छा जी। क्योंकि हमने बताना होता है, हमारे पास बंगाल की है, गुजरात की है, बिहार की है, सब जगह फसलें बम्पर है। अच्छा, कहीं भी आलू की कमी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा जी ये बात बताओ, आप यूपी के इलाकों में आए जी जाके, कुछ इलाकों में अपने पंजाब के इलाकों में जी? देखो अभी गए नहीं है, हाँ, लेकिन टच में तो सबके ही है। अच्छा, फसल में कहीं से भी कोई कमी नहीं है, हाँ जी, स्टोर भर जाएंगे। उसके बाद जो कुदरती आपदा होती है कोई, हाँ जी, वो आती है तो गेम बन जाती है कई बार। अच्छा, बाकी आलू की कोई कमी नहीं है। अच्छा, आलू रखने के बाद जैसे अप्रैल के अंदर कोल्डों में आलू बंद हो जाएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे, हाँ, उसके बाद नवंबर तक आलू बिकना है। अच्छा जी। इस दरमियान जो 6 महीने का पीरियड है उसमें कुछ भी हो सकता है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बारिश आ गई, कहीं कुछ हो गया। अच्छा, उससे आलू की गेम बदल जाए तो कह नहीं सकते। अच्छा, लेकिन फिलहाल साल मंदे का है। और कुछ भी लोग बोल रहे जी कि ये आलू जो अभी ये चल रहा है ना जी, ये जो अपना हाइब्रिड आलू है जिसको पुखराज बोल रहे हैं, हाँ जी, ये तो कम है, और जो दूसरे आलू हैं चिप सोना सूर्या वगैरह ये कम है, लोगों ने अब की बार ये ज्यादा लगा दिया जी, ये हाइब्रिड बोल। देखो सभी फसलें ज्यादा है, ये मेरे पास आज LR की 4 गाड़ी आई हुई है। ये जी ये LR की मंडी के अंदर, हाँ जी, आज 22-23 गाड़ी है। अच्छा, जो कि ये 5-6-7 गाड़ी होती थी। अच्छा जी। और ऐसे ही चिपसोना की भी 6-7 गाड़ी है मंडी में आज जी। हाँ जी, चिपसोना, सूर्या, LR, पुखराज, हाँ, सब दब के लगे हुए हैं, कोई कहीं से भी कोई कमी नहीं। ये क्या कहेगा, चिपसोने की 4 गाड़ियां आ लीजिए, 5-6 गाड़ी आज मंडी में। अच्छा जी। पहले तो 1-2 गाड़ी आ रही थी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, बाकी पोजीशन देखो, सफेद आलू है, कितना बढ़िया आलू है, ये फुल साइज है, पुखराज ही है। अच्छा जी। इसकी पोजीशन है जी 230-40-50 रुपए फुल मोटा है। जो भी रेट बता रहे हैं 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है जी। और जो जंगीराबाद है, हाँ जी, वो खुले में 200-230 रुपए के आलू बिक रहे हैं। अच्छा, पंजाब चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, जलंधर हो गया, उसकी कोई गाड़ी आती है उसकी पोजीशन 200 रुपए है। 200 में भी जल्दी से बिकता नहीं है, क्योंकि संभल की जो आज 70-75 गाड़ी है उसकी पोजीशन खुले के अंदर 240-50 से लेकर 60-70 रुपए है। अच्छा जी। तो जब ग्राहक को 250 रुपए में संबल मिलेगा, हाँ जी, तो उसको 200 में पंजाब समय नहीं आएगा। अच्छा जी। हाँ, तो अगला सोचेगा 50 और डाल के संबल ही लो ना। अच्छा, 200 का पंजाब क्यों लेना है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि संबल की क्वालिटी तो आपको पता ही है, इस टाइम नंबर 1 चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और जो बात करें भाई साहब जी, जैसे लाल आलू है जी, इनका क्या बाजार चला जी? लाल आलू भाई साहब जैसे ये साइज है, हाँ जी, ये इसकी पोजीशन 400-425, और जो मोटा साइज है इसकी पोजीशन 450 के आसपास है। अच्छा जी। लेकिन ग्राहक की बहुत कमी है, हाँ जी। अभी तक मेरे पास कोई लाट बिका नहीं है। अच्छा जी। ना किसी ने मांगा है, और तो टाइम डेरिया बना, हाँ, डेरिया बना के बैठे हुए हैं। अच्छा जी। तो ग्राहक की बहुत कमी है। अच्छा जी। और 10-12 हजार 13 हजार पैकेट नीचे डंप भी उतरा पड़ा है। अच्छा जी। अभी तक जैसे सुबह के आप बैठे, अभी तक ग्राहक आया नहीं? ग्राहक आया है, सैंपल लेके गए हैं, कुछ इसको तल के देखते हैं,
कितने परसेंट चिप्स बनता है। एलआर का ग्राहक 10-11-12 बजे ही निकलता है। अच्छा, पहले वो अपने वहां जाके फ्रायर में तल के देखे। जी इसकी जो ये अपना ये जंगीराबाद है सारा, इसकी पोजीशन 200, 210, 220, अच्छा जी, मतलब इन रेटों में ये आलू बिक रहे हैं। अच्छा जी, और जो बात करें भाई साहब जी ये अपना चिप्सोना वगैरह, इसकी क्या पोजीशन चल रही है? चिप्सोना देखो मोटा साइज जो है 50-55 mm है, उसकी पोजीशन 550-550 रुपए है। अच्छा जी। जो मीडियम आ रहा है 450-450 रुपए है। अच्छा जी, चिप्सोने की। अच्छा जी, और चिप्सोने के अलावा दूसरे आलू भी आने लगे जी अब, कोई सूर्या वगैरह? नहीं, सूर्या नहीं, कच्चे में सूर्या आता नहीं है। अच्छा, क्योंकि सूर्या स्टोर टाइम ही बिकता है, अगर इन दिनों में आता भी है तो उसको कीमत मिलती नहीं है। अच्छा, स्टोर टाइम क्या होता है, सारे आलू गोल वाले आ रहे होते हैं तो सूर्या पहाड़ी करके गलियों में बिकता है। अच्छा जी, हाँ, इस वजह से आजकल तो सभी ताजा ही आलू है। अच्छा जी, मेन तो मार्केट में एलआर हो गया, चिप्सोन हो गया, फिर ये हाइब्रिड हो गया। हाँ जी, पुखराज जी, बिल्कुल जी। अच्छा जी, और इसके अलावा जी जैसे बिक्री है जी, जो लेने वाले हैं ये कोई बाहर की लोडिंग भी जा रही दिल्ली से? दिल्ली से कोई लोडिंग नहीं है बाहर की। अच्छा जी, कोई लोडिंग, सारी टोटल दिल्ली की ही खपत है जी? दिल्ली की खपत है, जहाँ से लोडिंग कोई नहीं होती। दिल्ली की भी, पूरी दिल्ली की नहीं है। इस टाइम आजादपुर मंडी में हमारे जो इलाके हैं, ये बादली हो गया, नरेला हो गया, बुराड़ी हो गया, मतलब क्योंकि 4-5 मंडियां और है। अच्छा, सब जगह अपना अपना ग्राहक बटा हुआ है, जहाँ 70-80 गाड़ी 90 गाड़ी की खपत है। हाँ जी, और माल पूरा आ रहा, आज भी 120 गाड़ी है। अच्छा जी, बाकी मेरी किसान भाइयों से विनती है कि हम लोग जो रिपोर्ट देते हैं आपकी अच्छाई के लिए देते हैं, हमारी किसी बात का बुरा ना माने। हाँ जी, क्योंकि हम गलत भरम फैलाएं वो हमसे होगा नहीं। हाँ जी, कल को कुदरत कुछ भी कर दे, आज जो हमारा दिमाग है वो मंदे के अंदर है। हाँ जी, हम झूठ फैलाएं कि ये महीने बाद 500 बिकने लग जाएगा, 600 हो जाएगा, वो हम बातें नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है ना, बाकी अपने दिमाग से काम करें। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, पैसा पड़ा है तो स्टॉक करें। हाँ जी, 10,000 कट्टा आपने स्टोर रखना है। हाँ जी, मैं राय दूंगा कि 5,000 रखे, 5,000 को मंडियों में बेचें। अच्छा, क्योंकि साल बढ़िया नजर नहीं आ। अच्छा जी, अच्छा, हाँ, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए आने वाले समय में तब बात हो रहा है, पर अभी तो फिलहाल तो हालात वैसे है, क्योंकि मंडी में भरपूर है ना जी, यूपी भी पूरा चल रहा जी अपना। ये अभी मंडी के हालात जो एक महीना पूरा ऐसा रहेंगे जी। अच्छा जी, क्योंकि 20 तारीख से आसपास जो कोल्डों के मुहूर्त है, हाँ जी, उसमें भी बढ़िया आलू कोल्डों में जाएगा, हल्का आलू मंडियों में आएगा। अच्छा, तो मंडियां भरी रहेंगी एक महीना कम से कम, भरपूर आलू आएगा। पंजाब में बात हो भाई साहब, जो अगेतालू था, जो दूसरी फसल आते हैं, दूसरी फसल हाड़ू की फसल बोलते हैं उसको, वो भी बहुत बढ़िया लगी हुई है और ज्यादा लगी हुई है पिछले सालों से, क्योंकि बीज मंदा था, लोगों ने खेतों में गाड़ दिया। अच्छा, तो हाड़ू भी काफी आएगा। अच्छा जी, पिछले साल कम आया था हाड़ू, इस साल हाड़ू ज्यादा आएगा। अच्छा जी, हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक अपना कार्ड दिखा दो। राम लोहाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर, मेरा नाम है राकेश कुमार, ऊपर मेरा नंबर है, नीचे छोटे भाई का नंबर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। राणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।